देखो भाई रोड गया, ये देखो भाई निकलेगी क्या नहीं निकलेगी। सर जाएं जाएं सर, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इमरान अहमद व्लॉग। तो गाइस फाइनली हमारा जो ट्रिप था वो रेडी हो चुका है, तो अभी हम निकल रहे हैं अपने ट्रिप के लिए। तो इमरान भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं और अपनी जो बीस्ट है वो भी ये लगी हुई है। सो अभी हम हैं पुंछ में। सो टाइम अभी यहाँ से 10 बज रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो क्या होगा, कैसा रहेगा सीन, कुछ आइडिया नहीं है भाई। हमारा फर्स्ट ट्रिप है मतलब इतना लॉन्ग में, तो वो हम कर रहे हैं अपनी बीस्ट पे। तो देखते हैं क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा, जैसा भी होगा हम आपको साथ साथ में वो भी बताते रहेंगे। सो अभी हम हैं कन्हैया वाली साइड में। सो जैसे यहाँ से निकलते हैं तो आगे देखते हैं कैसा सीन रहेगा, क्या एडवेंचर रहेगा, क्या रहेगा, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। सो जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सो चलते हैं एंड देखते हैं। तो गाइस ये रही अपनी बीस्ट फुल रेडी हो चुकी है एंड ये रहे इब्रार भाई। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो आपको पहले से ये बता देते हैं कि हम कितना चलेंगे भाई। सो देख सकते हैं कितना है, ये आप देख सकते हैं भाई। सो वापस आके हम इसका करेंगे कितना हम चल के आए हैं, और अपना बैग ही रेडी हो चुका है एंड डबल हेलमेट वगैरह जो भी है। सो यहाँ से निकलते हैं एंड देखते हैं। कलाई से निकले हैं भाई, तो नीचे आप व्यू देख सकते हैं भाई, और ये वाली ट्रैक कितनी खतरनाक लग रही है। सो अभी कुछ दिन के लिए हम इस जगह को काफ़ी मिस करने वाले हैं भाई, बिकॉज अगर हमारा प्लान लंबा हो जाता है तो फिर हम काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें वापस घर पहुंचने तक। सो आप व्यू एंजॉय करें, हमारी राइड एंजॉय करें, हमारे व्लॉग एंजॉय करें एंड तो गाइस बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई। हमारा 15K का टारगेट है लद्दाख ट्रिप का, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट कर देना, और हमारे ब्लॉग कंटिन्यू देखने के लिए भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना भाई। तो अभी अभी सुनकोट पहुँचे भाई मार्केट में, तो अभी हम यहाँ से एक लेंगे राइडिंग किट भाई, हमारी एक दोस्त के पास है। सो आई डोंट नो वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, तो जैसे ही वो मिलती है भाई तो फिर निकले भाई। मौसम काफ़ी ख़राब होने, तो यहाँ हम अभी रुक चुके हैं भाई, आगे लगी हुई है गाड़ी कुछ काम कर रही है भाई। इससे भी ज़्यादा एडवेंचर देखने को मिलेंगे भाई हमें। सो इब्रार भाई फ़ोन पे वीडियो देख रहे थे, खतरनाक भाई खतरनाक है। सो हम खुद ही जुगाड़ लगाते हैं कोई भाई अगर निकल गए तो, बट मुश्किल लग रहा है हमें यहाँ से निकलना। नहीं निकलेंगे भाई, फंस जाएंगे गंदी तरीके से भाई। हालत देख सकते हो भाई रोड की आप, ये देखो भाई भाई बहुत बुरी। जब तक ये भाई ये वाली रोड तब तक रेडी होती ना, तब तक भाई एक दो दो साल निकल जाएंगे, बट उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी भाई, बिकॉज यहाँ से कश्मीर के ट्रक वगैरह भी आते हैं और जम्मू से होके जाते हैं। तो सुनकोट से होके जम्मू 200 किलोमीटर है जो हमें कवर करना है भाई आज। जितने भी ये पहाड़ है ना भाई ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं भाई आगे अगर आपको दिख रहा है भाई, तो बारिश भी शुरू हो चुकी है भाई, बहुत खज्जल होने वाले हैं। तो गाइस अभी ना बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है भाई, और जाम देख सकते हैं भाई पूरा ये बफलाल में जाम रखा। अभी हम रुके हुए थे यहाँ पे, इब्रार भाई हैं एंड ये देख सकते हैं ब्रिज पूरा भरा हुआ है भाई ट्रक से, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है भाई, और हमारी शूज़ और देख सकते हैं भाई हेलमेट भी गीला हो चुका है, और बाइक की भी हालत देख सकते हैं भाई आगे से एंड ख़राब रखी है पूरी। तो जैसे ही बारिश यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है तो भाई निकलेंगे, फिर आगे जो होगा जैसा भी होगा बताएंगे भाई। और ठंड भी ज़्यादा लग रही है भाई, देख सकते हैं आप सब भाई, बारिश ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी हम आराम आराम से चल रहे हैं भाई, देख सकते हैं पूरा हमारे कपड़े वगैरह भी गीले हो चुके हैं, और रोड भी देख सकते हैं भाई कितनी ख़राब है। भैया कहाँ जा रहे हैं?
लद्दाख जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं जी। हाँ कपड़े रखे हुए। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। लद्दाख लद्दाख लद्दाख। तो भाई पहले सर नंबर लिखना था गाड़ी का। भाई हो चुका है एंट्री डन, अब हम निकलेंगे। भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इब्राहिम भाई देख सकते हैं भाई। चलो भाई हो गया। हाँ पर कश्मीर में अभी धूप लग रही है, मैंने फ़ोन कर दिया भाई अपने दोस्त को, सो रात को हम उधर ही रुकेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट प्लान वहीं से करेंगे भाई। तो अभी क्या सीन होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है भाई। भाई बहुत जाम है, बट हम कुछ ना कुछ करेंगे भाई निकलने के लिए। सो अगर हम निकल जाते हैं तो बहुत बेटर रहेगा भाई, बिकॉज अरे बाप रे तगड़ा वाला जाम है यार। निकलेगी यार, कोशिश करेंगे भाई अपनी तरफ से पूरी कि हम निकल जाएं, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि होगा कुछ। बाइक्स आगे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। निकलेगी क्या नहीं निकलेगी, आगे निकल जाएगा छोटू। भाई देख सकते हैं कहां कहां से जाना पड़ रहा है, होप के भाई निकल ही जाए, रास्ता बहुत खराब है भाई। तो गाइस अभी हम रुके थे इस ब्रिज पे, सो अब देख सकते हैं लुक एट द बीस्ट। सो अभी हमें ज़्यादा टाइम लग गया नीचे भाई, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगा। सो अभी हम रेडी हैं और इब्राहिम भाई भी रेडी हैं भाई। तो पीछे देख सकते हैं भाई कितने बाइकर्स आ रहे हैं और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं भाई, देख सकते हैं। और अभी हम निकलेंगे भाई, इब्राहिम भाई अपना फ़ोन उठा लो। सो ये हमारा हालत ना हमारी यहीं पर ख़राब हो चुकी है भाई पूरे तरीके से, और आगे का कुछ भी सीन पता नहीं हमें क्या होने वाला है भाई, बिकॉज हमारा फर्स्ट ये प्लान है, हमारा फर्स्ट ट्रिप है ये। सो जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे भाई। चुके हैं और आप बादल देख सकते हैं भाई, और व्यू इंजॉय करें भाई आप, बहुत ख़तरनाक व्यू है। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, मैंने ग्लोव्स भी पहने हैं बट फिर भी ठंड लग रही है, और जैकेट वगैरह भी पहनी है, राइडिंग गेयर्स सब कुछ प्रॉपर तरीके से पहना हुआ भाई। तो बस ये आइडिया नहीं आ रहा कि भाई सर्दी कहाँ तक है, और मैंने कश्मीर में फ़ोन किया था भाई को, सो वहाँ पे धूप लग रही है उसने बोला मुझे जैसे। तो देखते हैं भाई क्या सीन रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। तो और जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और वहाँ पे हम आपको अच्छी अच्छी रील्स एंड फोटोज़ वगैरह हमारे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो जिसने फॉलो नहीं किया लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा भाई, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर पहुँच चुके हैं भाई पीर गली, तो देख सकते हैं भाई जाम कितना है। तो अभी पहले लगाते हैं कहीं बाइक साइड, और यहाँ पे एक दरगाह भी है तो हम दरगाह पे भी जाएंगे। बाइक लगा देते हैं साइड पे यहाँ पे। सो कितने लोग ऊपर वाली साइड भी जा रहे हैं, और नीचे स्टैंड है आप देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पीर गली से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, और भाई यहाँ पे हम रुके हुए थे, इब्राहिम भाई रुके हुए हमारा बीस चुका हुआ भाई, और व्यू देख सकते हैं आप भाई पीछे, और मैं आपको नीचे भी बता देता हूँ भाई, ये देख सकते हैं भाई अगर यहाँ से नीचे जाएगा बंदा तो ख़त्म एक मिनट में। और नीचे भी देख सकते हैं भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है। सो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे दो मिनट के लिए भाई, ब्रेक लेंगे एंड उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। सो मौसम ना काफ़ी ख़राब हो गया है, तो क्या पता बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमें फिर दिक्कत आ जाए भाई। तो अभी जो भी होगा जैसा भी होगा हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे भाई। सो लेट्स सी जो भी होगा जैसा भी होगा, सो मिलते हैं आगे। तो गाइज अभी
हम पहुंच चुके हैं भाई दुबजिया में। सो भाई बहुत ज़्यादा पीछे बारिश हो चुकी थी, मतलब हो गई थी, सो इस वजह से हमने बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया भाई। तो भाई हमारा जो मेन टारगेट है वो है लद्दाख का। सो गाइस जितने भी बंदे हमें वॉच कर रहे हैं, जितने भी बंदे हमें न्यू सब्सक्राइबर हमारे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। सो हमने एक एक्स्ट्रा प्लान कर दिया भाई अभी से ही, बट वो प्लान अभी हम बताएंगे नहीं आपको। सो अगर हमारे 15K सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर देते हो भाई, तो हम फिर वो प्लान भी यहीं से करेंगे भाई। सो बाकी आप व्यू देख सकते हैं भाई, अभी हम शुपैया यहाँ से 70 किलोमीटर बच गया। तो हमने एक दोस्त को कॉल किया भाई, रात को हम वहीं पे रुकेंगे, सुबह निकलेंगे हम करगिल के लिए। बट अगर इस ब्लॉग को अपलोड करने के बाद भाई जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर आएंगे, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ताकि हमारा हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसे ऐसे चलते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग जो हैं हम शूट करते रहें। सो इब्रार भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना भाई, उनके चैनल का लिंक मैं आपको दे ही दूंगा। सो उनको भी सपोर्ट करो भाई, हमें भी करो अच्छे से। सो भाई यहाँ पे ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं अभी। सो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, जो मैं देख रहा हूँ ना, तो भाई वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज कैमरे में आई थिंक इतना ना दिखे। बट आप देखो, वीडियो इंजॉय करो। सो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो भाई। होप कि ये वीडियो रात को एडिट हो जाए भाई, बहुत थक चुके हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और नींद आ रही है भाई, सीधी बात बताएं ना, जो तो हालत ख़राब हो चुकी है भाई हमारी। भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर बाहर के हैं भाई, कश्मीर के बाहर के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं, तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना कि भाई कहाँ कहाँ से बंदा देख रहा है। तो जितने भी बंदे बाहर से देख रहे हैं भाई, कमेंट करो। और अगर हमारा न्यू प्लान जो है, अगर वो भी करना है इसी ट्रिप में, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना, ताकि हम नेक्स्ट प्लान जो कर रहे हैं भाई लद्दाख के बाद का, वो हम वहीं से कर लें, नहीं तो फिर हमें वापस घर आना पड़ेगा एंड घर से होके फिर जाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं चाहते भाई ऐसे के। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। ट्रिप है एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई, फर्स्ट वाला। तो होप कि कुछ चीज़ कुछ हमसे गलतियाँ हो जाएँ, तो अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो भाई प्लीज़ हमें कमेंट में बता देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना भाई। तो भाई हम शुपैया सिटी में एंटर हो चुके हैं भाई। सो कुछ इस तरह की है शुपैया की सिटी। तो मैं काफ़ी टाइम पहले आया था भाई, कुछ भूल सा गया हूँ, अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है। सुबह होते ही भाई निकलेंगे करगिल की ओर, तो इसलिए हमें कोई भी अभी आइडिया नहीं था कि भाई हमें तन्वीर भाई मिल जाएंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इन्होंने इधर रूम रखा हुआ है। तो मैंने कॉल की तो इन्होंने भाई हमें बोला कि रात को मेरे पास ही रुकना है। सो सुबह सो ये रहे तन्वीर भाई की गाड़ी। सो भाई मैं कोई भी व्यू मतलब मिस नहीं करना चाहता, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियोस लंबी ना हो, तो इसलिए भाई तो बाकी आप व्यू देख सकते हैं भाई, एकदम ख़तरनाक व्यू है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। सो एक कमेंट करें लॉन्ग वीडियोस कितनी तक डालूँ मैं, ताकि आपको हर चीज़ का मतलब पता चलता रहे कि भाई अगर मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं डालूँगा, तो फिर भाई कुछ भी वो नहीं रहेगा, इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। सो लॉन्ग वीडियो का ये रहेगा कि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। तो भाई काफ़ी टाइम चलने के बाद ना भाई यहाँ पहुँचे हैं भाई, कुछ इस तरह की जगह पे। तो भाई बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका है ना भाई, दिन में बारिश की वजह से पहले हम नहीं अच्छे से चल पाए एंड बीच में ट्रैफिक जाम हो गया। सो पीर गली का सबसे बड़ा जो रीज़न है भाई कि वो वहाँ पे मसला हो जाता है कि भाई ट्रैफिक जाम हो जाती है बहुत ज़्यादा, एंड उसके बाद भाई काफ़ी थक भी गए हम बाइक चला चला के भाई। सो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं भाई। सो घर देख सकते हैं भाई आप, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अभी भी करनी है निकलने के लिए। सो ब्लॉग वगैरह भी एडिट करना है, तो जैसे ही एडिट होता है सो अपलोड कर देंगे। तो इसको कल ही अपलोड करेंगे भाई, आज नहीं करेंगे, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं।
तो भाई अभी हम पहुंचे हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। सो मे बी यहाँ से हमें 10 मिनट या फिर 15 मिनट लग सकते हैं भाई कश्मीर के लिए। सो जो भी होगा भाई, जैसा भी होगा, हम आपको साथ साथ में शेयर करते रहेंगे भाई। अभी हम चढ़ चुके हैं भाई फ्लाईओवर पे, धूप देख रहे हो भाई, और मौसम एकदम ख़तरनाक सा हो चुका है। तो दिन में हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगी भाई। तो अभी का जो मौसम है इस टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो बाकी देखते हैं भाई क्या सीन होगा क्या नहीं होगा। तो सर भाई हमारे साथ एक सीन हो गया था, अभी हमें यहाँ पे रोक लिया था, तो अभी हमें छोड़ दिया। तो बस चेकिंग वगैरह कर रहे थे हम, बैठ जा। हाँ सर, जाएं जाएं सर, थैंक यू। तो भाई अभी हमारा तगड़ा सीन हो गया था, बट डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए एंड हमारे बैग वगैरह चेक कर दिए। सो उसके बाद हमें छोड़ दिया भाई कि आप जा सकते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं भाई। तो अभी तनवीर भाई कहीं आगे ज़्यादा चले गए हुए हैं, तो अभी हमें तो पता नहीं है भाई कहाँ चले गए हुए हैं। सो उनको ढूंढेंगे पहले, तो फिर भाई हम देखेंगे क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई कश्मीर में। सो अभी हमने रूम वगैरह ले लिया है। सो अभी बहुत ज़्यादा ना हम थक चुके हैं, तो इब्रार भाई और हमारे तनवीर भाई मैंने खाना लेने के लिए भेजा हुआ है। सो वो खाना लाते हैं फिर खाएंगे एंड बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई, रेस्ट करेंगे। सो देखते हैं, अगर यू गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। सो चलते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।